1 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 23 जनवरी 2024 को कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उस निर्देश के अनुपालन के क्रम में जनपद अंबेडकर नगर में अवस्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यथा 277 कटेहरी, 278 टांडा, 279 आलापुर, 280 जलालपुर एवं 281 अकबरपुर की हिंदी भाषा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 278 टांडा की उर्दू भाषा में निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय तथा समस्त मध्य सभा स्थलों पर आज दिनांक 23 जनवरी 2024 को कर दिया गया है। इसकी जो कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 27/10/2023 को जो आलेख प्रकाशित हुआ था मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के संबंध में, उस समय हमारे यहाँ जो पुरुष मतदाता थे उनकी संख्या थी 9,50,661, लेकिन इस वक्त 23/1/2024 को जो अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में जो पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या हो गई है 9,64,673। इसी प्रकार जहां 27/10/2023 को महिला मतदाताओं की संख्या 8,64,725 थी, वहीं अब 23/1/2024 को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की संख्या 8,87,946 हो गई है। इसको आप कह सकते हो कि जो 27/10/2023 को कुल मतदाताओं की संख्या 18,15,408 थी, अब वह मतदाताओं की संख्या बढ़कर 18,52,627 हो गई है। हमारा जो जेंडर रेशियो उस समय 23/10 में 910 था, जो कि बढ़कर आज 920 हो गया है। ईपी रेशियो में अब जो पहले 62.73% था, अब जो है ईपी रेशियो 64.02% हो गया है। इसी प्रकार जो एज कोहार्ट 18 से 19, उस समय 64,638 0.35% था, अब बढ़कर एज कोहार्ट जो है हमारा 26,444 अर्थात 1.43% हो गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत 6 वर्षों में पहली बार 70,774 मतदाताओं का नाम जोड़ा और 35,810 मतदाताओं का नाम अपमार्जित तथा 17,549 मतदाताओं का नाम संशोधित किया गया और कुल मिलाकर इस अभियान में 1,24,133 फॉर्म जो थे वो प्राप्त किए गए। इस संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के सुपरविजन हेतु हम लोगों ने 155 सेक्टर ऑफिसर, 189 सुपरवाइजर के साथ साथ 25 AERO की तैनाती की थी और हम लोग प्रतिदिन फॉर्म फीडिंग अपलोडिंग की जो समीक्षा थी बैठक के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से हम लोग करते थे, जिसके कारण दिनांक 7/1/2024 तक प्रत्येक फॉर्म की फीडिंग कर अपलोडिंग का कार्य कर दिया गया और कोई भी फॉर्म फीडिंग अपलोडिंग हेतु अवशेष नहीं है। हम लोग सेक्टर ऑफिसर की जो बैठक थी 3 बार 50-50 के बंच में 9 दिनों तक की गई, या उसी का परिणाम है कि जिससे 26,444 युवा मतदाताओं का नाम जोड़ा गया जो कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार प्रथम बार BLO ऐप और ऑनलाइन के माध्यम से 61,773 मतदाताओं का नाम जोड़ा, अपमार्जित और संशोधित किया गया है। जनपद में जो हमारे 80 प्लस वाले मतदाताओं की संख्या कुल 34,633 है, जिसमें 120 प्लस मतदाताओं की संख्या 9 है। इसके साथ ही हम लोगों ने स्वीप योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं, समाचार पत्रों, टीवी चैनल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए युवा मतदाताओं एवं महिला मतदाताओं का नाम सूची में सम्मिलित किया गया। इसमें प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं विशेष अभियान की तिथियों का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेस मीडिया एवं प्रिंट मीडिया का जो सहयोग था वह अत्यंत ही सराहनीय रहा। इसके साथ ही साथ जनपद में पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने हेतु राजनीतिक दलों के अध्यक्ष मंत्री के साथ कुल 4 बार बैठकें की गई और उनका सहयोग भी प्राप्त किया गया। इस प्रकार आप कह सकते हो कि काफ़ी कहते 6 वर्षों के पश्चात 70,774 मतदाताओं का नाम जोड़ा गया। यह एक आम जनमानस के बीच में जो हम लोग के द्वारा जन जागरूकता फैलाई गई
जनजुकता फैलाने में जो मीडिया के साथ साथ चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी की जो सहायता ली गई है उसका ये एक अच्छा परिणाम ये देखने को आया कि 70,774 मतदाताओं का नाम जोड़ा गया और 35,810 मतदाताओं का नाम अपमार्जित करते हुए 17,549 मतदाताओं का नाम संशोधित किया गया। इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में 1,24,133 फॉर्म प्राप्त किए गए। निश्चित रूप से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके पूर्व जितने भी हमारे जो यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि आए हुए थे उनको वोटर लिस्ट का एक एक सेट और उसकी सीडी जो है उनको उपलब्ध कराई गई है और इस बैठक में हमारे समस्त जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जो हमारे डिप्टी डीओ साहब हैं, अपर जिलाधिकारी महोदय, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने एक सुर से सारे राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को एक विश्वास दिलाया है कि हम लोग फ्री भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।